सभों को जय यीशु। दैनिक आहार कार्यक्रम के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारे आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि महायाजक और जनता के नेता यीशु के पास आकर पूछते हैं कि वह किस अधिकार से शिक्षा दे रहे थे और किसने उन्हें वह अधिकार दिया था। हम सुनते हैं कि यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे थे। मंदिर एक प्रमुख स्थान था जहां याजक और जनता के नेता ही बोला करते थे या निर्देश दिया करते थे। यीशु का अधिकार के साथ वहां शिक्षा देना याजकों और नेताओं के लिए उनकी प्रसिद्धि के लिए चुनौती थी। यीशु जनता में उनके सम्मान और आदर के लिए खतरा बन रहे थे, इसलिए वे लोग उनसे उनके अधिकार के बारे में सवाल करते हैं। यीशु ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बड़ी सूझबूझ से उनके सामने योहान बपतिस्ता के बारे में एक दूसरा सवाल रखकर एक चुनौती खड़ी कर दी। यीशु ने उनके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे किसी तरह से यीशु को शांत करने के लिए सवाल कर रहे थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए सवाल कर रहे थे। इसके बारे में संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, अगर यीशु ने जवाब दिया भी होता तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अंध बुद्धि उस चीज को नहीं समझ सकती जो प्रकाश से उत्पन्न होती है। हमें उसी को बताना चाहिए जो जानने की इच्छा रखता है, लेकिन जो केवल परीक्षा लेता है उसे तर्क शक्ति से पछाड़ना चाहिए और रहस्य की बातों को प्रकट नहीं करनी चाहिए। संत जॉन के कहने का अर्थ है कि उन याजकों और नेताओं का दिमाग अंधकार की शक्ति से भरा हुआ था, इसलिए यीशु की बातें जो प्रकाश और सत्य की बातें थीं, उनके समझ के परे थी, वह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। अगर हम यीशु के अधिकार की बातें करें तो उनका अधिकार लोगों पर शासन करने या लोगों को दबाने के लिए नहीं था। यीशु के पास अधिकार था और वे अधिकार के साथ बोलते थे, लेकिन उनका अधिकार दूसरों को नियंत्रण में रखने या उन पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद के लिए था। सच्चे अधिकार का अर्थ दूसरों पर अपनी शक्ति दिखाना नहीं, लेकिन उनको सशक्त करना होता है। सच्चे अधिकार का सही उपयोग दूसरों की सेवा, सहायता और उत्थान करना होता है। यीशु ख्रीस्त वही कर रहे थे। उनका अधिकार सेवा कराने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए था। हमें भी कुछ अधिकार दिया जाता है। हम किसी पद पर होते हैं, हमारे अंतर्गत लोग काम करते हैं या हमारे परिवारों में ही। इन परिस्थितियों में हम अपने अधिकार का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम अपने अधिकार का प्रयोग दूसरों पर अपना नियंत्रण रखने के लिए करते हैं या लोगों की सहायता और सेवा के लिए करते हैं, या अपना अधिकार जताते हुए दूसरों को अपनी सेवा करवाते हैं? आइए हम सच्चे अधिकार का सही उपयोग करने के लिए सीख लें। आमीन।